शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का मामला। पीटीआई रहनुमा का इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ मेडिकल के लिए जाने से इनकार। जराए के मुताबिक जेल इंतजामिया और इस्लामाबाद इंतजामिया मुजाकरात में मसरूफ। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा शहबाज गिल के बुनियादी हुकूक सलब न किए जाए, लीगल टीम को मिलने दिया जाए। हुकूमत के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। तहरीक का आगाज 19 अगस्त को कराची के जलसे से होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है। राणा सनाउल्ला की पॉलिसी मुल्क में चल रही है। इमरान दौर में हमारी क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाए गए, हमने 90 रोज के रिमांड काटे हैं। मरियम नवाज का वालिद से मुलाकात के वक्त गिरफ्तार किया गया। अता तारण की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा परवेज इलाही मुखालिफिन को फांसियां देने की धमकियां दे रहे हैं। जावेद लतीफ ने मरियम नवाज के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था। हमजा शहबाज पार्टी छोड़कर लंदन में बैठे हैं। इमरान खान ने जो लाहे अमल दिया उससे उनमें बेचैनी फैल गई है। तर्जुबान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास 10:30 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुंजमद अकाउंट्स की काबीना कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। और भारत ने ओज बैराज से 1,71,797 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरिया रावी में सैलाब का खदशा, पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुगयानी आ सकती है।